जिला प्रमुख व जिला उपन्य की बात करूँगा तो गुंडा पहुँचने पर कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ किया स्वागत, जिसमें जिला प्रमुख व जिला उप प्रमुख पुष्कर देवी को माननीय भौर सिंह जी पवार सहित जिला कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम कुंडलिका मंगला सर्व मंगल सर्वासादिते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगला हरि अर्चितं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि जलसुखं समर्पयामि आचार्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि समेत बनाकर पूजा को पूरा करो और पांच बार अपने लिए अपने गांव के लिए अपने जिले के लिए अपने राज्य के लिए यथा शक्ति अपने राष्ट्र के लिए सुख संपदा पूर्वक मिले। इसी के साथ बोलो गजानंद जी महाराज की जय। जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती सीता महादेवा माया माधन को पुत्र देख नीलकंठ को माया सूर्य शाम शरण आए सफल की सेवा सूर्य शाम शरण आए सफल की सेवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोले चार भुजा नाथ की जय। बोल सावरिया शेख की जय। बोल जय शिव सरदार। प्रमुख साहब हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रताप लाल जी गमेती साहब
हमारे नवनिर्वाचित प्रधान साहिबा, उप प्रधान जी और भोपाल सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे बड़गांव के प्रधान साहिबा, बड़गांव के उप प्रधान साहब, हमारे बीच में बिराजे हुए हमारे कमलेश जी भाई साहब, मंदालाल जी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता नार सिंह जी देवड़ा साहब, और सभी का नाम नहीं लेते हुए सभी हमारे सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य और धाम से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों, युवा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमने पंचायत समिति का बोर्ड वापिस आज रिपीट किया। ये सब मेहनत आप सब की मेहनत से आज सफल हुआ है। हमने 5 सालों में जो विकास गोगुंदा में किए थे वो आज जनता ने वापिस हमें पूरा मौका दिया है। और कार्यकर्ताओं का तो दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे प्रदेश नेतृत्व और प्रमोद जी भाई साहब और भंवर सिंह जी का, इन्होंने मुझे वापिस पुनः दोबारा मौका दिया और हमारे गोगुंदा का नाम आज रोशन हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस हिसाब से हमने गोगुंदा पंचायत समिति को राजस्थान में सबसे नंबर वन विकास के कामों में रखा, इस हिसाब से हम जिला परिषद को भी राजस्थान में सबसे ऊपर विकास में रखेंगे। मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज जो हमारे जो यहाँ के जो नरेगा के कर्मचारी थे या नरेगा के जो हमारे काम करने वाले मजदूर थे, उन सभी मैं प्रमोद जी भाई साहब और एमएलए साहब और अध्यक्ष जी और प्रमुख जी के ध्यान में लाता हूँ कि हमने राजस्थान में सबसे नंबर वन 15,000 श्रमिकों का चयन करके और 22 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में डालने का प्रयास किया, जो राजस्थान में सबसे पहली पंचायत समिति है। आज हमारे जो आवाज है, आवाज में भी 100% हमारे यहाँ पर काम हुआ, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे किसी भी हर प्रकार की सरकार की जो भी योजना थी, हमने धरातल पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने का प्रयास किया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में 5 पंचायत समितियों का चयन हुआ, जिसमें हमारी गोगुंदा पंचायत समिति का भी चयन हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कार्यालय के अधिकारी और हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र जी तोमर के सामने हमें प्रेजेंटेशन देने का अवसर मिला, तो हमने वहाँ से बताया कि हमारे गोगुंदा कोई सामान्य दर्दी नहीं है, ये राज तिलक, जहाँ पे महाराणा प्रताप का राज तिलक हमारे गोगुंदा में हुआ, जिन्होंने उदयपुर बसाया था, महाराणा उदय सिंह जी का स्वर्गवास हमारे गोगुंदा में हुआ, तो हमें राज तिलक स्थली पे और उदय सिंह जी की छतरी पे और विभिन्न कामों में हमें 6 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार से मिले, और आने वाले समय में हम और गोगुंदा का चहुंमुखी विकास करेंगे। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चरण स्पर्श करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। उसका जी तुम संघर्ष करो।